दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर के जो पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात पीजी के लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है काउंसलिंग के लिए उस पर बात करेंगे जिसमें मार्क और रैंक के अनुसार कैटेगरी वाइज बांटा गया है इसमें सभी सब सब्जेक्ट या कोर्स वाले इसे देख सकते हैं दोस्तों हम मुख्य रूप से बात करेंगे हार्टिकल्चर तथा जेंटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के बारे में यहाँ पर सभी सभी लोग अपना देख सकते हैं क्रम से दिया है पहले कोर्स का नाम और कैटेगरी मार्क्स जनरल रैंक या रैंक है आपका और रूम नंबर अर्थात यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा है अर्थात सबका अपने अपने विभाग में काउंसलिंग होगा का। यहाँ पर पहला लिखा है हिंदी संस्कृत इंग्लिश हिस्ट्री सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी, जियोग्राफी होम साइंस एम कॉम मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, इन्वामेंटल साइंस जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं जनरल का जो जनरल का जो अंक प्राप्त किए हैं नवासी से अठहत्तर के बीच में और रैंक जो जनरल रैंक है एक से पाँच के बीच में है तो वो पहली मेरिट लिस्ट में आएंगे और ईडब्ल्यूएस का जो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं जो उनहत्तर से पैंसठ के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और जनरल रैंक तेरह से सोलह के बीच में है तेरह से सोलह के बीच में है ओ का देखते हैं ओ की बात करते हैं यहाँ पर सतहत्तर से तिहत्तर अर्थात सतहत्तर से तिहत्तर के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और रैंक जनरल रैंक छः से नौ के बीच में है तो और एस की एस की बात करते हैं साठ से बयालीस साठ से बयालीस अंक प्राप्त किए हैं या इसके अंदर आते हैं इस रेंज के तो और जनरल रैंक आपका उन्नीस से अड़तीस के बीच में है तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएंगे काउंसलिंग के लिए और और जो काउंसलिंग होगा वह अपने डिपार्टमेंट में अर्थात अपने विभाग में होगा अब देखते हैं हार्टिकल्चर का यहाँ पर हार्टिकल्चर का देखते हैं यहाँ पर जनरल जिन अभ्यर्थी या फिर विद्यार्थी का इकसठ से अंठावन के बीच में है और जनरल रैंक एक से पाँच के बीच में है और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की तो छप्पन से छियालीस छप्पन से छियालीस जिनका रैंक जनरल रैंक आठ से उनतालीस है आठ से उनतालीस और ओबीसी की बात करते हैं तो संतावन से बावन संतावन से बावन जिनका जिनका सात से ग्यारह के बीच में रैंक है जनरल रैंक तो ए फर्स्ट काउंसलिंग के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो काउंसलिंग के लिए क्या हैं योग्य हैं और ए की बात करते हैं अंठावन से उनचास अंठावन से उनचास के बीच में अंक प्राप्त किए हैं और रैंक छः से पच्चीस के बीच में है तो ए मेरिट लिस्ट फर्स्ट में या पहली काउंसलिंग के लिए ए योग्य हैं दोस्तों ये सूचना आपको पीजी कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगी या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ओम प्रकाश बिंद ए पर आप इसे देख सकते हैं दोस्तों सीट खाली होती है तो मुख्य रूप से जेंटिक्स और जेंटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और हार्टिकल्चर में सीट या फिर कुछ नहीं भर पाते हैं सीटें तो उसके लिए फिर दूसरी काउंसलिंग अर्थात सेकेंड लिस्ट भी निकलती है और विभागों की सही जानकारी तो नहीं है लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा होता है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग और हार्टिकल्चर में कुछ सीट खाली होती हैं तो सेकेंड लिस्ट निकलती है जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में